इन पेंशन भोगियों, लेटेस्ट अपडेट हमारे बीच आ चुकी है वन रैंक वन पेंशन में। आप सभी जितने भूतपूर्व सैनिक व पेंशन भोगी हैं देख सकते हैं, मैं इस समय वॉइस ऑफ एक्स और इस मैन सोसाइटी में हूं, जहां पे वन रैंक वन पेंशन मतलब OROP पर सबसे बड़ी सूचना हमारे बीच आ चुकी है। 29 दिसंबर को एक वेबिनार कनेक्ट किया, जहां पे कौन कौन से एरियर किस किस तरह का बेनिफिट हमारे NCO, नॉन कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, JCO, अदर रैंक OR को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पूरा निकल के आ गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने गूगल में टाइप कीजिएगा वेबिनार ऑन OROP 2, या फिर आप टाइप कीजिएगा वॉइस ऑफ एक्स और इस मैन और नीचे आइएगा स्क्रॉल करते हुए, तो आपको दिखेगा यहाँ पे वेबिनार। अगर वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पेंशन भोगी व पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिकों को सबसे बड़ी अपडेट हमारे बीच हमारे यहाँ से ही मिलती है सबसे पहले सरल और सटीक शब्दों में। जितने भी भूतपूर्व सैनिक है सबको बता दे, ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि मैं अब बताने जा रहा हूं आपको वन रैंक वन पेंशन पे सबसे बड़ी यहां पे निकल के आई है जो OROP पर मतलब की सूचना। वन रैंक वन पेंशन जो इस समय सबसे चर्चित है, आपको बता दें यहां पे लिखा हुआ है कि सैनिकों को के मतलब कि बहुत दिनों बाद और बहुत इंतजार करने के बाद आप लोग को जो आपका एरियर मिला है उसमें इसमें सरकार ने बहुत सारी बातें बताई है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। OROP रिवीजन, जो कि विश्व युद्ध जीत गए लेकिन चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, सैनिकों के बहुतायक वाले हिमाचल की हार से भी मोदी सरकार सबक नहीं ले रही है। और यहाँ पे बताया गया है कि कॉर्पोरेट सोच की तरह OROP और OROP 1 रिवीजन, जिसके तहत सारा लाभ अधिकारियों को दे दिया गया और 500 से 1500 का झुंझुना JCO जवानों को पकड़ा कर जे सरकार जो अपमान कर रही है और उनकी कीमत आने वाले चुनावों को में चुकानी पड़ेगी। सरकार सैनिक वर्ग के 97% JCO, NCO और OR और इनके परिवार के सदस्य जिनका वोट करीबन 3 करोड़ वोट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समर्थन खो देगी। तो यहाँ पे काफी लंबी सूचना, काफी लंबा लिस्ट कहाँ का निकल के आ गया है वन रैंक वन पेंशन पे। तमाम भूतपूर्व सैनिक इसे पढ़ेंगे, अपने अपने फोन पे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ा बड़ा बताया गया है कि कौन कौन से लाभ वह मिलने जा रहे हैं हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगियों को। या मैं फिर से बता दूं कि वन रैंक वन पेंशन की वर्तमान स्थिति, OROP की काफी टेबल में भी खामियां हैं, MSPN भी नहीं जोड़ा गया है और OROP टेबल में 3-4 रैंक जो नहीं दिख रहे हैं वो भी आपको आगे वाले टाइम पे दिखेंगे। ऐसी हम अपडेट आपको हमेशा देते रहेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। OROP पर वेबिनार हुआ था और वेबिनार पे जो बातचीत निकल गई है आप अपने फोन पे जरूर पढ़ें। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी दिया गया है और एक चीज बता दें, वॉइस ऑफ एक्स और इसमें किस लिए होता है, जो OR और जवान JCO की बात रखने वाला वॉइस ऑफ एक्स और इसमें, यही उनका काम है। आपको बता दें कि यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है जो कि IT सेल के जितेंद्र देव उनका दिया गया, जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं IT सेल के, तो यहाँ पे उनके सहयोग करेगी, तो उनसे आप संपर्क समझाने के लिए जिम्मेदारी IT सेल के जितेंद्र देव, मोबाइल नंबर 9998913725 को दी गई है, जिसके सभी संस्थाओं से आग्रह है कि इस अन्यथा व विद्रोह लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए अपने संपर्क करें, संपर्क नंबर जितेंद्र देव को वोट कराएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।